अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और साथ साथ थोड़ा पढ़ाई में सीरियस हो गए होंगे, क्योंकि छुट्टियां अब खत्म हो चुकी हैं। आपको अब साथ साथ अपनी स्टडीज पे फोकस करना पड़ेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा जो हदीस का मौजू है वो है सदके की अहमियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अबी ज़र रज़ी अल्लाहु अन्हु ऐज़न अन्ना नासन मिन असाबी रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाहु अन्हु से ही रवायत है कि असाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से कुछ लोगों ने कालू कहा, यानी सहाबा कराम में से कुछ लोग हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। नासन कुछ लोग, अन्ना बेशक, मिन असहाबी सहाबा कराम में से रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। कालू कहा लिन नबी ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, जहाबा ले गए अहलुद्दुसूरी बिल अजूरी, मालदार लोग अजर। उन्होंने कहा ए अल्लाह के रसूल, जो मालदार अमीर लोग हैं वो सारे का सारा अजर ले गए। युसल्लूना वो नमाज पढ़ते हैं, कमा नुसल्ली जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, व यसूमूना वो रोजे रखते हैं, कमा नसूमू जैसे हम रखते हैं, व यतसद्दकूना वो सदका देते हैं, बेफजूल अमवालहिम जायद माल में से। कौला आपने फरमाया अवा लैसा क्या नहीं, कद जाअलल्लाहु लकुम अल्लाह ताला ने बना दिया तुम्हारे लिए, मा जो तसद्दकूना बिही जिससे तुम सदका करते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला ने बना नहीं दिया तुम्हारे लिए वो जिससे तुम सदका करते हो। इन्ना बेशक बेकुल्ले तस्बीहतिन सदका, बेशक हर बार तस्बीह कहना सदका है, व कुल्ले तकबीरतिन सदकातुन और हर बार अल्लाहु अकबर कहना सदका है, व कुल्ले तहमीदतिन सदका और हर बार अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, व नाहियुन अनिल मुनकरे बुराई से रोकना सदका है, व फी ए बुजुई अहदकुम सदका और तुम में से हर एक का बीवी से मुजामियत करना सदका है। कौलू या रसूल अल्लाह उन्होंने कहा यानी सहाबा कराम ने कहा आयाति अहदुना शहवतुहु व यकूनु लहु फीहा अजरुन, ए अल्लाह के रसूल जब कोई हम में से अपनी ख्वाहिश पूरी करे तो क्या उसको अजर मिलेगा। कौला फरमाया आ रहे तुम क्या तुम्हारी राय है, लो वजा अहा फिल हरामिन अगर वो इसे रखता या इस्तेमाल करता हराम तरीके पे, अकाना अलैही विज्रुन तो क्या इसे गुनाह होता, फकजाली का एजा वजा फिल हलाली बस इसी तरह जब उसने इसको रखा पूरा किया हलाल तरीके से, काना लहू अजरुन तो इसके लिए अजर होगा। अब ये जो हदीस है इसमें सहाबा कराम ने हजूर से अर्ज किया कि अमीर लोग हमसे आगे निकल गए, सारा अजर ले गए, हम भी नमाज पढ़ते हैं जैसे वो पढ़ते हैं, वो भी रोजे रखते हैं जैसे हम रोजा रखते हैं, वो अपने जायद माल में से खर्च करते हैं। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए नहीं बना लिया कि सदका कैसे कर सकते हैं। फिर आपने फरमाया हर बार सुभान अल्लाह कहना सदका है, हर बार अल्लाहु अकबर कहना सदका है, हर बार अल्हम्दुलिल्लाह कहना सदका है, हर बार बुराई से रोकना सदका है, बीवी से मुजामियत सदका है और अपनी ख्वाहिश को पूरा करना सदका है, और अगर इसको वो हराम तरीके से पूरा करता तो इस पे गुनाह होता, लेकिन अगर उसने हलाल तरीके से किया तो इसके लिए अजर है।
रवाहु मुस्लिम इमाम मुस्लिम ने रवायत किया है। अल्फाज मानी अहलु दुसूर अमीर लोग मालदार लोग, अजूर अजर की जमा है सवाब, फजूल इजाफी माल, तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह विज़रुन बोझ। अब जब हम इस हदीस में बताया जा रहा है सदका करने के कौन कौन से तरीके हैं, इस्लाम ने अल्लाह के रास्ते में जरूरतमंदों पर माल खर्च करने की बहुत फजीलत बयान की है। एक मरतबा गरीब सहाबा हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल, दौलतमंद लोग अजर सवाब में हमसे बहुत बढ़ गए हैं, नमाज रोजे के सवाब में तो हमारे साथ हैं, लेकिन दौलतमंद होने की वजह से वो अपने माल में से सदका करते हैं और यूं हम में से सबकत ले जाते हैं। इनकी दिल जोई और हौसला अफजाई के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने ये हकीकत बयान की कि मुख्तलिफ नेक अमाल करके भी वो सदका हासिल कर सकते हैं, जैसे सुभान अल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अल्लाह हू अकबर कहने से भी सदके का सवाब मिलता है, कलमा तैयबा का जिक्र करने से भी सदके का सवाब मिलता है, नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने को भी पर भी सदके का सवाब मिलता है, बीवियों से अच्छा सलूक करना और उनके पास जाने से भी सदके का सवाब मिलता है। लोगों ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, हम अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जाते हैं। आपने फरमाया, अगर तुम ना महरम औरतों के पास जाओ तो क्या ये गुनाह नहीं? लोगों ने कहा, जी गुनाह है। आपने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया, जिस तरह हराम में गुनाह है इस तरह हलाल में अजर है। इस हदीस से बयक वक्त बहुत सी बातें साबित होती हैं, मसलन सहाबा कराम एक दूसरे से बढ़ चढ़कर नेकी में हिस्सा लेते, जैसा कि मुफलिस सहाबा ने अहले दौलत का अजर सवाब में आगे बढ़ने का जिक्र किया, तस्बीह तहमीद यानी सुभान अल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, हकूक ज़ौजैन बाहिमी खुश दिली से अदा करना, ये फजीलत के अमाल हैं। इससे साबित होता है कि इस्लाम में कोई रहबानियत नहीं बल्कि ये दुनिया और आखरत के हसीन इम्तिजाज का नाम है। इसलिए कुरान मजीद में मुसलमानों को तालीम दी गई है कि वो अल्लाह ताला से दुनिया और आखरत में भलाई का सवाल करें। सूरह बकरा की आयत नंबर 201 में आता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार, ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में और आखरत में भलाइयां अता फरमा और हमें दोजख की आग से बचा। चनाचे हमें ये जान लेना चाहिए कि दुनिया के हर मामले को अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके के मुताबिक पूरा करने का नाम दीन है, यानी हम जितना हो सके अल्लाह की राह में अपने गरीब बहन भाइयों की मदद करें। और सदका करने के हमें बहुत ज्यादा तरीके बता दिए गए हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप किसी गरीब को एक खजूर दे दें, किसी प्यासे को पानी पिला दें, किसी की मदद कर दें, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर जैसे कलमात अदा करते रहें, आपको सदके का सवाब मिलेगा। अगली हदीस पे जाते हैं जो नेकी के तसव्वुर पे रोशनी डाल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन्नबी हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु कौला, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, उन्होंने कहा, कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लू सुलामा मिनन नासी, लोगों के हर जोड़ पर, अलैहि सदाकत सदाका, हर जोड़ पर लोगों के सदका वाजिब होता है, यानी लोगों के हर जोड़ पर, हमारे इंसानी जिस्म में कितने हड्डियां हैं, उनके कितने जोड़ हैं, हर जोड़ पर सदका वाजिब है। कुल्लू योमिन, हर दिन, ततलू फीही शमसु, जब सूरज निकलता है, तादेलू मा बैनल इस नई नी सदका, और जब तू दो आदमियों के दरमियान सुलह करवाए तो ये सदका है। वतईनु रुजुलू फी दावते ही फाताह मिलू अलैहा
अतरफो अलैहा मताहू सदका, यानी या तो मदद करे किसी आदमी की इसे सवारी पर सवार करने में या इसका सामान उठाने में, तो सदके का सवाब मिलेगा। वह कलिमतु तैयबात, और बात साफ पाकीजा बात करना सदका सदका है। बेकुल्ले खुतवतिन, और हर कदम तमशीहा इला सलातिन सदका, और जो हर कदम जो तू उठाता है नमाज पढ़ने के लिए तो वह सदका है। वह तमीतू, और तू हटाता है आजा अनित तरीके रास्ते से तकलीफ दे चीज को सदका, तो ये भी सदका है। रवाहुल बुखारी व मुस्लिम, इमाम बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। यानी हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों के हर हर जोड़ पर सदका वाजिब है। हर रोज जब सूरज तुलू होता है तो दो आदमियों के दरमियान अदल करे तो ये सदका है। तो किसी आदमी को इसकी सवारी पर सवार करने में मदद दे तो सदका है, या इसका सामान सवारी पर लदवा दे तो ये सदका है। हर पाकीजा बात सदका है, और हर कदम जो तू नमाज के लिए चलता है तो ये सदका है, और हर तकलीफ दे चीज जो तू रास्ते से हटाता है तो ये सदका है। सुलामा, जिस्म का हर हिस्सा, ततलहू तलू होता है, तादिलू इंसाफ करता है, खुतवा कदम, तमशीहा चलता है उठाता है, तुमीतू दूर करता है। इस हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका करने के तरीके बताए हैं। पिछली हदीस नंबर 25 में भी सदके के हवाले से था, इस हदीस में भी सदके का जिक्र है। आपने फरमाया कि हर मुसलमान को सदका करना चाहिए, अल्लाह की राह में दिल खोलकर माल खर्च करना चाहिए, क्योंकि सदका दोजख की आग से बचाता है। सदका एक ऐसा अमल है जिस पर मुफलिस और नादान लोग भी चल सकते हैं। इसका वसी मफहूम है, ये महज रुपया पैसा अल्लाह की राह में खर्च करने का नाम नहीं। यानी जो समझते हैं कि सदका सिर्फ रुपए पैसे से खर्च करके हम इसका सवाब ले सकते हैं, बल्कि ये तो बहुत सी नेकियों का मजमुआ है। इसलिए अहदीस में इरशाद होता है कि जो आदमी अपनी मुसलमान भाइयों के दरमियान इंसाफ से सुलह करा देता है, इसे भी सदके का सवाब मिलता है। इसी तरह मुसलमानों की, मुसाफिरों की अखलाकी और माली इमदाद भी सदके का अजर रखती है। इंसानों की मदद की जाए, हत्ता कि अगर किसी मुसाफिर को सवारी में बिठाने में मदद की जाए, तो ये अमल भी सदका के अजर से खाली नहीं। गर्ज ये, सवारी पर अपने भाई को इसका सामान पकड़ा देना भी सदका है। पाकीजा गुफ्तगु, अच्छी गुफ्तगु, मीठे बोल सदके में आते हैं। चनाचे इस्लाहे जबान भी बहुत बड़ा नेक अमल है। नमाज की नीयत से मस्जिद की तरफ जाना, जहां और बहुत बड़े अजर सवाब का जरिया है, वहां हर कदम पर सदके का सवाब मिलता है। एक दूसरी हदीस के मुताबिक इसके हर कदम पर नेकियां लिखी जाती हैं, बुराइयां मिटा दी जाती हैं, दर्जात बुलंद किए जाते हैं। इसी तरह रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना भी सदका है। एक और हदीस के मुताबिक इस किस्म की चीज को हटाना रास्ते का हक है। ये वो अमाल हैं जिन्हें अमीर गरीब हर आदमी बासानी सर अंजाम दे सकता है। इस पर अल्लाह के यहाँ बहुत ज्यादा अजर और सवाब है। इंसान के साथ साथ जानवरों की मदद करना, भूखे को खाना खिलाना, जानवरों की प्यास बुझाना, इसका भी बहुत ज्यादा अजर और सवाब है। अल्लाह ताला हमें हदीस को पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक दे।